अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करते हैं जी आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस कांटों वाले टेडी जोड़े का शौक करने जा रहे हैं, ये मेरे फेवरेट कलर्स में से एक कलर है। इसमें अगर आप नर को देखें या मादा को देखें, दोनों के कांटे, दोनों के कलर बिल्कुल एक दूसरे के कॉपी हैं। मैं आपको करीब से भी दिखाता हूं, आप देखें इनके कानों के पास से जो इनका कलर है नर का और ये मादा है। दोस्तों इस तरह के जो पेयर्स हैं काफ़ी रेयर बनते हैं कि नर और मादा बिल्कुल एक दूसरे की कलर में कॉपी हो। तो चलें मैं आपको आगे बढ़ता हूं और आपको इनका शौक कराता हूं। सबसे पहले मैं आपको नर का शौक कराता हूँ, इसकी मैं आपको आँख दिखाता हूँ करीब से। ये है जी दोस्तों नर की आँख, आप देखें जी खूबसूरत आँख है इसका, आपको गुलाबी डोरा भी नज़र आ रहा होगा। चले मैं आपको इसके पर भी दिखा देता हूँ इस साइड से। ये है जी दोस्तों इसका पर, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो चले मैं आपको इसके दूसरी साइड का भी पर दिखा देता हूँ। दूसरी साइड पर सारे ही इसके जो पर हैं वाइट है, ये देखें जी ये इसका पर है। तो चले मैं नर छोड़ देता हूँ और इसकी जो हम शक्ल मादा है उसका शौक कर लेते हैं। तो चले दोस्तों मादा के भी आंख और पर देखते हैं करीब से। ये है जी इसकी आंख, इसकी भी आप देखें जी बिल्कुल नर की तरह की आंख है, गुलाबी डोरा भी बाहर की तरफ इसका नज़र आ रहा है। चले मादा के पर भी देख लेते हैं। ये है जी दोस्तों इसका पर, इस साइड से सारे के सारे पर जो है इसके वाइट कलर में है। और दूसरी साइड के भी इसके पर जो है अभी सबके साथ वाइट है। तो चलिए दोस्तों ये मैं छोड़ के दिखाता हूँ, नर और मादा को एक साथ देखते हैं। ये है जी दोस्तों वो खूबसूरत कांटों वाला टेडी जोड़ा जिसका मैंने आज आपको शौक कराया है। राइट साइड पे नर है और लेफ्ट साइड पे मादा है। सिर्फ इनके में जो थोड़ा सा फ़र्क है वो मादा और नर के कद में फ़र्क है, जो एक नेचुरल चीज़ है। नर का हमेशा मादा से कद ज़्यादा होता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इन दोनों का बिल्कुल एक जैसा कलर है, एक दूसरे की हम शक्ल हैं ये दोनों। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, और जिनको वीडियो पसंद आई हो लाइक का बटन भी दबाएं, और कमेंट करके अपनी अपनी राय ज़रूर दें मुझे।